السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أطيب طعام وأشعر بيت مختارات ثانية फा मकस तू यौमन वन ला आरा वो जंगली गधी मेरे खजूर के दरख्त के पास आती थी और उस दरख्त को साफ कर जाती थी उसका फल खा जाती थी तो एक दिन मैं तीर कमान लेकर गया इसका काम तमाम करूँगा तो आगे कहता है फमकस तो यौमन वन एक दिन और एक रात ठहरा रहा वहीं ला रहा मुझे वो नजर नहीं आई हत्ता कान सहारू यहां तक के सुबह का वक्त हुआ सहर का जो आखिरी रात में होता है अकबलत तो वो आई फतेहैय तो मैं तैयार हो गया उसके लिए रेडी हो गया फरशक्तुहा और मैंने उसको तीर मारा शाका तीर मारने को कहते हैं असब तूहा और मैंने तीर उसके पहुंचा दिया और तीर मेरा खता नहीं किया मतलब तीर उसी के पड़ गया अजहज तो आलही और उसका काम तमाम कर दिया अजहज ही काम तमाम करना तुम्मा आमद तू सुरतिहा शिकार हो गया उसका फिर अगर तीर से भी वो मर जाता है जानवर तो भी बिस्मिल्ला पढ़ के छोड़ा है तो खा सकते हैं सुम्मा तो इलासुरहा फिर मैंने उसके बीच के हिस्से का इरादा किया तो और उसको चीरा नाप वगैरह को चीरा सुम्मा तो इलाहा बिन जजलिन और बहुत सारी लकड़ियां लेने के लिए गया जमातुहु उनको जमा किया इला रोजुफिन गर्म पत्थर के पास गर्म पत्थर से चूल्हा बना लिया उसी के पास उन लकड़ियों को जमा किया रोज गर्म पत्थरों को कहते हैं रोज वह अमद तू इलाजंदी अपनी चकमाक का इरादा किया वह तो उसको रगड़ा व अगरम तु निकल हपब उन लकड़ियों में आग सुलगा दी वाली तो सुर रहता और जो उसका बीज का हिस्सा मैंने निकाला था वो मैंने उसमें डाल दिया वह अदरकनी नौ मुबाती मुझे ऊंग आ गई फलमयू किजनी शमसी फी जहरी तो मुझे सूरज की गर्मी ने ती पीठ पर पड़ी पीठ पर पड़ी उसने बेदार किया फिर तो इलेहा फिर मैं गया के पास जो बीच का हिस्सा मैंने नाफ चीर के उसमें डाली थी तो और मैंने उसको खोला आग से निकाला वो अल्कई तुम अल कदन और जो उस पर कचरा लगा हुआ था उसको हटाया और सवादिन कालापन था और अमा दिन राख थी उसको हटायालमुला अतुलबा और फिर मैंने जैसे सफेद चादर उल्टी पलटी जाती है इस तरीके से उसको पलटा यानी बिल्कुल वो साफ शफाफ हो गई सफेद चादर की तरह से अलमुला अतुलबा سفيد فألقيت عليها، فألقيت عليها من رطب تلك النخلة المجزعة والمنصفة. من هتايا عليها، ألقيت عليها. من پر فِر वो जो नाफ थी और बीज का हिस्सा था उस पर फिर मैंने उस खजूर के दरख्त की खजूरें तर वो डाली अलमुजिया जो आ, कुछ हरी और कुछ सुरख थी मुजजिया कहते हैं कुछ हिस्सा हरा हो और कुछ सुर्ख हो बलमुनिफा जो आगे है तकरीबन उसी मायने में अध पकी खजूरें और ये अन नखला की सिफत है यानी जो नखला ऐसा था कि उसके फल वो अभी अद पके थे तो वो तर खजूरे मैंने डाली अतीतन, तो जब उसमें गर्म गर्म चर्बी में वो पड़ी तो चर चर की आवाज आई आमिर वूफान ऐसा कि आमिर और गौफान एक दूसरे को पुकारते हैं जंग में उस वक्त जैसे शोर मचता है ऐसे शोर मचा तो अकबल तो अतना वलु शहमता वह फिर लगा में चर्बी और गोश्त खाने लेने में चर्बी और गोश्त लेता उ और उसको दो खजूरों के बीच में रखता वो वी इला फमी और अपने मुंह में फिर डालता अपने मुंह तक उसको ले जाता अकलीफू मा अकल طعاما مثله कत्तू मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इस जैसा खाना कभी नहीं खाया अब्दुल मलिक तो अब्दुल मलिक ने कहा लकद अकलता ता कि तुमने वाकई बहुत लजीज खाना खाया है फमन अंता तुम अपना तारुफ तो कराओ जरा कौन हो तो कहा कि अनु जानबतनी बतनी अन तमीमिन मैं ऐसा आदमी हूं कि बनु तमीम की जबान की लुकनत मेरे अंदर नहीं है अनाना कहते हैं हमजा को आइन से बदलना वो जबान की खराबी होती है तो वो मेरे अंदर नहीं है जानबत नहीं है नहीं नहीं वो मुझसे दूर है वह कसकसत रबिया और बनु रबिया का कसकसा ये भी उनकी जबान की खराबी है कि काफ मोहनस में सीन मिला देते हैं जैसे देते हैं कहना है तो ओहिबुक तो रबिया की, ये बुराई भी की मेरे अंदर नहीं है वह यमन और अहले यमन के गरीब अल्फाज भी मुझसे दूर है वो तो मिन हूं अगरचे मैं अहले यमन में से हूं अब्दुल तो मलिक ने कहा मिन अंता अहल यमन में किस शहर से हो किस कबीले से हो तो कहा मिन अखवाली का मिन उजरा के मैं तुम्हारे जो ननिहाल वाले मामू का खानदान है मिन उजरा उसी से ताल्लुक रखता हूँ बन उजरा से قال فصحاء الناس कहा वो तो फसी लोग हैं तुम शेर शायरी से कुछ वाकफियत रखते हो तो कहा सल अम्मा बदाल का जो आपको समझ में आए वो पूछिए

क्या तुम उनमें सबसे बेहतर नहीं हो जो लोग के ऊंट पर सवार हुए मकीयत सवारी ऊंटों पर सवार होने वाले लोगों में सबसे बेहतर नहीं हो मतलब अरब लोगों में क्या तुम सबसे बेहतर नहीं हो वो आलमीना और पूरी दुनिया जहां में सबसे ज्यादा सखी नहीं हो राही हतेली के से राहत बतन बतने अंदर हाथ का अंदर कैसा मतलब हथेली हथेली के लिहाजा सबसे सखी मतलब तुम्हारा हाथ खुला रहता हर वक्त देते रहते हो ये सबसे अच्छा या शेयर है कहते हैं जरीर उस कौम में बैठा हुआ था उस मजलिस में उसने अपना सर उठाया देखो मेरा शेर सबसे अच्छा है लहा और इस खूबी के लिए थोड़ा वो लंबा हुआ मतलब गर्दन उसने ऊंची की फिर अब्दुल मलिक ने कहा के जो अशार अरबों ने कहा है उनमें सबसे ज्यादा फखरिया शेर कौन सा है तो कहा कि कौल जरीर जरीर का ये शेर सबसे ज्यादा फख्र में फाइक है इजा के जब बनु तमीम तुम पर गुस्सा हो जाए तो तुम समझोगे तमाम लोगों को के वो सब खफा हैं तुमसे यानी बनू तमीन की खबगी ऐसी है जैसे सारे जहां फिर सारी दुनिया को तुम बदला हुआ पाओगे क्योंकि उनका मकाम ऐसा है कि सब लोग उनके ताबे होते हैं जिनसे वो राजी सब लोग उनसे राजी का, फिर उसने थोड़ी हरकत की मतलब अपनी अपनी शान दिखाई कि देखो मेरा शहर सबसे अच्छा का, का है कहा, जरीर का ये शेर। सब में जरीर का नाम लिया किला तुम अपनी नजर झुका कर रखो क्योंकि तुम कबीला से हो तो इसलिए तुम अपनी नजर शर्म से झुका लो कबीला नबीलाब के दर्जे तक पहुंचे हो ना कबीला किलाब के उनसे भी घटिया हो, होता जरीर तो जरीर ने फिर गर्दन उठाई वह तजा और झूम गया हो तौरेबा खुश हो गया लोगो मेरी तारीफ हो रही सिर्फ कहा ايوبيتم قالت العرب احسن تشبيهن کہ جو اشعار عربوں نے کہے اس میں سب سے زیادہ تشبیہ کے اعتبار سے اچھا شعر کون سا ہے تو کہا باول جرير جرير کا یہ شعر سارا نحوهم ليل كانن نجومه قناديل فيهن الذبال المفتل उनकी तरफ रात चलकर गई, रात चलकर गई सरा रात में चलना तो रात खुद चल रही है तो यहां लश्कर को रात कह रहा है क्योंकि बहुत काला लश्कर के गर्द गुबार उड़ रहा हो तो रात का मंजर नजर आ रहा रात उनकी तरफ चलकर गई कानुजू महू और वो रात ऐसी थी कि उसके सितारे क्या हैं, है शमेंदीलें और उनके अंदर जो बत्तिया है वो मजबूत है जिसकी लो बहुत तेज है मुफत्तल मैंने मजबूत बनी हुई तो जरीर ने कहा मेरा इनाम इस उजरी को यानी कबीला उजर के इस शख्स को दे दिया जाए कबीला उजरा के अमिर तो अब्दुल मलिक ने कहा कि उसको तो मिलेगा उसके बराबर से अलग. तो का। इनाम अलग से दिया जाएगा शई तुम्हें उसमें से कोई कम नहीं किया जाएगा वकानत जा इज्जत जरीर इन अरबाता दरहम और जरीर का इनाम चार हजार दिरहम और उसके लवाजिमात थे तवाब इसके लवाजिमात थे मिनल हमलान इसके लवाजिमात क्या मिनल हमलान हमलान के मायने क्या है मायो हमलो अलही मिन दवाब भी मतलब सवारी सवारियां वल कुसवा और कपड़ा लत्ता फखर उजरी। या हमलान उसको तो भी कह सकते हैं जो सा, सामान वगैरह देख लेते हैं हमलान के मायने इन्होंने तो दवाब के मायने किए हैं लेकिन देख लेते हमलान के और मायने क्या आते हैं الحمل يجري خلف القتي صغير أولاد الزان من مواليد برج الحمل من البروج يبتدئ من مارس अमल इसमें तो बताया सगीर सहीदीजान यानी बच्चा भेड़ का बच्चा भेड़ का बच्चा बताया हमला के मायमी मल असर तो जो भेड़ का बच्चा होता है उसको कहते हैं हमल इसकी जमा हमलान, और हमलान मा हदाया मिन भी, एक मायने भी है कि जिस सवारी पर हदाया रखे जाते हैं उसको भी कहते हैं तो शायद यहाँ मायने यही हैं कि भाई हदिया दे दे रहे हैं तो अब वो किस पर ले जाएंगे तो वो सवारी भी देते थे तो मिनल फमलान वही सवारी हमल की जमा और कपड़े तो उजरी जब निकला तो फिर उमना उसके दाएं हाथ में आठ हजार दिन हम थे मतलब फिर जरीब ने मजीद अपना भी दे दिया और फिर यूसरा रिजमतिया और बाएं हाथ में कपड़ों का गट्ठर था وآخر دعوانا الحمد لله رب